नंदोत्सव मनाते हुए शांतिनगर मंदिर में चतुर्दिन भगवान राम जन्म के साथ कृष्ण जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपका अपना मनपसंद चैनल टीटीआई न्यूज और नेटवर्क और आप देख रहे हैं शांतिनगर हनुमान मंदिर पर भागवत कथा के चतुर्दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव। जी बताइए, आज नंदोत्सव मनाया गया भागवत कथा में क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश है और ये कौन से अवतार में है? जी ये भागवत में चार उत्सव आए हैं। जी सबसे पहला उत्सव है नंदोत्सव जो भागवत में सुखदेव मुनि ने मनाया है। फिर दूसरा है जिसको कहते हैं बसंत उत्सव, वो भगवान कृष्ण ने बसंत पंचमी वाले दिन मनाया है। तीसरा उत्सव है जिसको कहते हैं जो शरद उत्सव, शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान ने इसको मनाया। और चौथा उत्सव है जो रासोत्सव कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये चार उत्सवों में सबसे बड़ा उत्सव नंद उत्सव माना जाता है जिसे आज शांति नगर दक्षिणी हनुमान मंदिर में सब भक्तों ने मनाया। आज के मुख्य यजमान राजीव मित्तल जिन्होंने और हमारे गिरवर सिंह जी और विमला भेदी जो महिला मंडल के यहाँ सभी कार्यभार को संभाल रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से ये भागवत कथा का आयोजन गत वर्षों से चलता आ रहा है। ये कौन सा आयोजन है? आज चतुर्थ दिवस चौथे दिन का इस आयोजन को कितने वर्ष हो गए? इस कार्यक्रम को 28 साल जी। हाँ जब से यहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है और हनुमान जी की कृपा से यहाँ सब आनंद है और उन्हीं की कृपा से ये उत्सव भी मनाया जाता है। बोलो भागवत भगवान। Yeah.
प्रथमान्यासन्न ते अनातं महिमानं सयन्तयत कूर्वे सात्या शान्तिदेवः हरि ओ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदया वेद मंत्र है सेवन्ति काव्य पुल चंपड पाव्य लाभ जई पुष्पांजलि समर्पयामि सभी को मैं धर्म की नंद उस समय होना भक्तों का सेवाल साथ जुड़ चुके हैं राजीव मित्तल जी। और आज इन्होंने यहाँ भागवत की पूजा कराई। इधर उन्होंने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हनुमान मंदिर प्रसंग में खिचड़ी प्रसाद वितरण किया। जी बताइए क्या कहना चाहोगे और किस प्रकार से आज आपने पूजा करी और मकर संक्रांति के ऊपर में क्या कहना चाहोगे? आज बहुत ही पावन दिन मकर संक्रांति का और उसमें शांतिनगर में श्रीमद भागवत का आयोजन चल रहा है। उसमें आज जन्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाया गया बहुत अच्छे तरीके से और खिचड़ी का प्रसाद का वितरण किया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसे सुंदर आयोजन हमेशा होते रहे। बहुत अच्छा। लगभग कितने साल से ये आयोजन चल रहा है यहाँ पर, कब से आप सेवा कर रही है? लगभग मेरे पिताजी के टाइम से बहुत चल रहा है, बहुत समय से करीब करीब लगभग 28 वर्ष से ये आयोजन लगातार चला आ रहा है और हम सभी भक्तिगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आनंद से सब ठाकुर जी के पास सारे काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे राजीव मित्तल जी। उन्होंने 28 वर्ष से लगातार शांतिनगर हनुमान मंदिर में भागवत कथा का आयोजन और खिचड़ी महोत्सव का आयोजन लगातार चल रहा है। अब से पहले इनके पिताजी सेवा करते थे, अब ये उनका फर्ज अदा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के आयोजन के दौरान खिचड़ी प्रसाद वितरण करते हुए भक्त लोग। साथ ही माखन मिश्री का प्रसाद वितरण करते हुए गुंजन सारस्वत।